हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का जो है नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, यानी कि इसके आगे हमने पार्ट टू लिखा हुआ है। ठीक है, इससे पहले का जो हमारा प्रीवियस वीडियो है वो मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि पर्सनैलिटी को आप किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, उन तीनों विधियों को हमने एक्सप्लेन किया है उस वाले वीडियो में। अब हम क्या करेंगे कि जो तीन विधियां थी हमारी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव मेथड, उन तीनों विधियों को हम आगे और एक्सप्लेन अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहें। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने इन तीन विधियों को हमने पढ़ा था इससे पहले के भी अपने जो है प्रीवियस वीडियो में, कि मेज़रमेंट जो होता है उसकी तीन विधियाँ हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव मेथड, सेकंड है ऑब्जेक्टिव मेथड और थर्ड जो है वो है हमारा प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इससे पहले सब्जेक्टिव मेथड को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, विद एग्जांपल हमने इंटरव्यू का लिया था, तो उस एग्जांपल के थ्रू जो है हमने तीनों विधियों को एक्सप्लेन किया हुआ था अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है मैं यहाँ आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगी, आप जरूर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं या फिर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा आत्मनिष्ठ विधि है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्टिव मेथड है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड जो है इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारा साक्षात्कार विधि है, इंटरव्यू विधि है मेथड। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें किसी के द्वारा व्यक्ति को सेलेक्ट व किसी के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो इंटरव्यू होते हैं बड़े बड़े, उसमें चार पांच जो है इंटरव्यूअर होते हैं और आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो हो सकता है कोई आपको सेलेक्ट कर दे और कोई आपको रिजेक्ट कर दे। तो इस तरीके से ये साक्षात्कार विधि चलती है, उस तरीके से वो आपके व्यक्तित्व का अवलोकन करते हैं। ठीक है, सेकंड है यहाँ पे अवलोकन विधि। इसमें सेलेक्ट करने वाला व्यक्ति आप अपने अवलोकन के हिसाब से आपको सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, थर्ड है इसमें व्यक्ति इतिहास विधि। ये क्या है, फॉर प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस के लिए होता है। ठीक है, यानी किसी बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखकर उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है उस बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रखी जाती है, यानी कि उसके माता पिता कैसे हैं, ठीक है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये सारी जानकारी किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में जब रखी जाती है तो वो होता है व्यक्ति इतिहास विधि। ठीक है, नाम से ही पता चला है, किसी व्यक्ति का पूरा इतिहास को जो है रखना, उसको उसका रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो ये है व्यक्ति इतिहास विधि। फोर्थ जो है वो है संचय विधि, यानी कि इसमें किसी एक बच्चे की पूरी जानकारी रखी जाती है जिसमें उसके परिवार की जानकारी नहीं आती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलर एक जो है बच्चा जो है उसको उसके बारे में जानकारी रखी जाती है कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है, किस तरीके से आंसर कर रहा है क्लास के अंदर, जिससे हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। यहाँ पर उसका फैमिली बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं होता है। और जो फिफ्थ विधि है इसमें, या फिफ्थ मेथड है इसमें, वो है वृत्तांत विधि। यानी कि इस विधि में रिकॉर्ड रखना इतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक पर्संस के लिए यह रखा जाता है, किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके बारे में जो है जानकारी या उसके व्यक्तित्व के बारे में आपके जो माइंड में जो इमेजिनेशन आ जाती है वो होती है वृत्तांत विधि। ठीक है, इसमें आप मतलब ऐसा कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हो, बस अपने माइंड में किसी की छवि आप रख लेते हो, मतलब अपने हिसाब से कि हाँ ये पर्सन जो है अच्छी तरीके से बात करता है या जो भी है, तो आपकी एक उसकी एक पॉजिटिव छवि आपके माइंड में बन जाएगी। तो यहाँ पे ये पांच विधियाँ जो है वो सब्जेक्टिव मेथड की हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव मेथड की। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, इसमें जो है इसमें भी पाँच विधियाँ आती हैं। फर्स्ट है हमारी व्यक्तित्व आविष्कारक विधि। ठीक है, इसमें क्या है, व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए प्रथम सूची में ही प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि पहले सबसे पहले ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है आंसर आपको हाँ या ना में देना होता है और प्रश्न जो है वो सीधे व सरल होते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे को स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन पूछ लिया कि मतलब, और ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि उसके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सके। ठीक है, और हाँ या ना में जो है जवाब देने होते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, इसकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने इसे एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पे भी हमने बताया था कि ऑब्जेक्टिव मेथड है, यानी कि जैसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वैसे ही आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उसमें सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है। सेकेंड है यहाँ पर प्रश्नावली विधि। इसमें द्वितीय सूची में प्रश्न पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव मैथड है,
के अंदर ही आता है मतलब, तो इसलिए हाँ और ना में ही जवाब देना होगा, जिससे आपके व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जो इसमें क्वेश्चन है वो सेकंड सूची में पूछे जाते हैं। थर्ड है इसमें चेकलिस्ट विधि, प्रश्नों का हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। 100% शॉर्टी वाले प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, मतलब आपको हाँ का जवाब तभी देना होगा जब आप उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में मतलब 100% आप श्योर हो कि वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हैं 100% शॉर्टी वाले क्वेश्चन जो है चेकलिस्ट में पूछे जाते हैं। फोर्थ है इसमें रेटिंग स्केल, यानी कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं रेटिंग के हिसाब से आपको उसमें आंसर करने होते हैं, और उसी रेटिंग के हिसाब से जिस तरीके के आप रेटिंग जिस क्वेश्चन में दोगे या कुछ जिस क्वेश्चन के आंसर में दोगे उसी हिसाब से आपके व्यक्तित्व का पता चलता है। लास्ट है इसमें समाजमिति, ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समाजमिति। तो समाजमिति में किसी व्यक्ति के बारे में किसी अन्य से जानना होता है, ठीक है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, किसी और पर्टिकुलर पर्सन से पूछेंगे आपके बारे में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, जैसा कि इसका नाम नाम में ही बताया जा रहा है कि समाजमिति, ठीक है, आपके अराउंड जो भी हैं कुछ लोग जो आपको जानते हैं ठीक ठाक उनसे आपके बारे में आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछा जाएगा, तो वो मेथड होता है समाजमिति मेथड। थर्ड जो हमारा मेथड था व्यक्तित्व को मापने का या मूल्यांकन करने का वो है था प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जो है मेथड्स आते हैं, फर्स्ट है इसमें शब्द सहचर्या विधि, इसमें बच्चों को शब्दों की सूची देकर बच्चों के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड बच्चों को दे दिए जाते हैं, वो जिस वर्ड को जानते होंगे या फिर पहचानते होंगे जिस वर्ड को, जिस वर्ड का मीनिंग, उस तरीके से जब वो सेलेक्ट करेंगे उन वर्ड को तो उस तरीके से जो है बच्चे का व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ना इसमें भी क्या है, नाम से ही पता चला है, शब्द सहचर्या विधि, ठीक है। सेकंड है वाक्य पूर्ति विधि, यानी कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो इसमें क्या है बच्चों को अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, वो जिस तरीके से फिल करेंगे उन वाक्यों को उसी से उनके व्यक्तित्व का पता चलेगा। थर्ड है शाही धब्बा परीक्षण, इसमें क्या होता है 10 कार्ड होते हैं, एक होता है इसमें क्या है एक शाही धब्बा परीक्षण। फोर्थ है विषय आत्मबोध परीक्षण, और जो फिफ्थ है वो है बाल आत्मबोध परीक्षण। ये तीनों के तीनों जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी सारे टेट वगैरह में जो है पूछे जाते हैं कि मतलब शाही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। तो जो शाही धब्बा परीक्षण है उसमें 10 कार्ड होते हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 5 जो है वो रंगीन होते हैं। इन कार्डों को दिखाकर बच्चे जैसा इमेजिन करते हैं, ठीक है, बच्चों को जो है 5 ब्लैक एंड व्हाइट भी दिखाएंगे और 5 रंगीन भी दिखाएंगे उनको कार्ड, फिर जो है बच्चा अपने माइंड में जो है इमेजिन करेगा कुछ पिक्चर, इमेजिन वो अगर कर रहा है तो उसके हिसाब से उसके व्यक्तित्व को जाना जाता है कि वो किस तरीके से इमेजिन कर रहा है इन चीज़ों को, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पे विषय आत्मबोध परीक्षण, यानी कि इसमें जो है 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 10 कार्ड जो है फीमेल के होते हैं, 10 मेल के होते हैं, जो 10 हैं वो मिक्स होते हैं और जो एक कार्ड होता है वो प्लेन होता है, ठीक है। यह जो परीक्षण है वो बड़े बच्चों के लिए है, विषय आत्मबोध परीक्षण, ठीक है। 31 इसमें कार्ड होते हैं 10-10 के हिसाब से। फिफ्थ है इसमें बाल आत्मबोध परीक्षण, ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे से बाल लग गया है तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चों की उम्र के लिए है, 3 से 10 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये परीक्षण किया जाता है। इसमें भी 10 कार्ड होते हैं, जिसमें क्या है जानवरों की तस्वीरें होती हैं, तो उनको जानवरों की तस्वीरें दिखाई जाती है, जिस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे या जिस तरीके से वो सेलेक्ट करेंगे कि उन्हें ये वाला जानवर पसंद है, तो उस तरीके से उनके व्यक्तित्व का जो है मापन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों विधियाँ पढ़ी हुई थी अपने प्रीवियस वीडियो में, आज हमने जो है इन तीनों विधियों के अंदर और भी जो मेथड है उनको भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।